हाथ में हेल्प मी का पोस्टर लिए पानी से भरे टब में बैठी इस महिला को जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। दिल्ली के जंतर मंतर में पेटा की इस महिला कार्यकर्ता ने पानी के टब के अंदर बैठकर चूहों पर होने वाले स्विम टेस्ट के खिलाफ अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया है। इस दौरान महिला कार्यकर्ता एक बेहद छोटे से टब में पानी के अंदर बैठी नजर आई। उस वक्त जो भी वहां से गुजर रहा था उसके लिए ये दृश्य बिल्कुल अनोखा था। विरोध प्रदर्शन के इस अनोखे अंदाज को देखकर लोग दंग रह गए। इसे देखने के लिए वहां लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। देश में जानवरों के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाली संस्था पेटा ने अब जानवरों पर लगातार हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की ठान ली है। पेटा के कार्यकर्ताओं ने जानवरों पर हो रहे क्रूर परीक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि इंसानों के लिए बनाई जाने वाली दवा का भी पहला परीक्षण वैज्ञानिक चूहों पर ही करते हैं। अगर चूहों पर उसका सकारात्मक असर पड़ता है तो मेडिकल साइंस में माना जाता है कि ये इंसान के लिए भी फायदेमंद होगा, लेकिन अगर परीक्षण में चूहों पर दवा का नकारात्मक असर पड़ता है तो वैज्ञानिक इसे मनुष्यों के लिए भी खतरनाक मानते हैं। पेटा फिल्मों में भी जानवरों के साथ होने वाली क्रूरता को लेकर कई बार आंदोलन कर चुका है। R9 TV के लिए सुदीक्षा की रिपोर्ट।